हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम केज लोअरिंग कर रहे हैं फ्रिक्शन पाइल का। ये हम क्रेन की हेल्प से कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज मेरा केज का टोटल वेट है 4.2 टन। हाइड्रा से करना थोड़ा रिस्क रहता, कभी भी बारिश गिर जाती तो जो भी मेरा एरिया वो उतना हार्ड नहीं है, ताकि मैं क्रेन से उस किया ताकि वो सेफ़ रहे। मैं आगे चल के आपको सामने जाके मैं दिखाता हूँ। मैं ये 32 डायकर इन्फोर्समेंट को लैपिंग कर रहा हूँ इस वक्त, जो कि लैपिंग लैप लेंथ है मेरा 40 टाइम्स ऑफ डाया। मतलब ये मेरा 1280 हो रहा है जब आप 40 × 32 करेंगे। साथ साथ में मैं 3 टैक वेल्ड करता हूँ इसके ऊपर। उसके बाद मैं 110 डायक रिन्फोर्समेंट से लैपिंग करता हूँ, और उस बीच में 16 डायक रिन्फोर्समेंट के मास्टरिंग बना के उसको फिक्स करता हूँ, वेल्ड करता हूँ, ताकि मेरा केच बराबर रहे। इसके साथ में मैं यहाँ जो कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर कवर ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ 75 mm का कवर ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मेरे बोथ साइड में, ताकि मेरा रिन्फोर्समेंट थ्रू आउट द केज को प्रॉपर कवर मिले। ये आप देख रहे हैं मैं वेल्डिंग किया हूँ 6013 के इलेक्ट्रोड से। ये मैं बाइंडिंग मेरा अभी एट द मोमेंट पे वो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ साथ में मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने वाली बात है, टैक वेल्ड हो गया, आपका लैपिंग हो गया, कवर ब्लॉक प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब है। आके जाके मैं और भी कुछ आपको हेल्प करूँगा बताने की।